नमस्कार। आज हम नीम का साबुन बनाएंगे। इसके लिए हमने ये नीम की पत्तियां ली हैं कुछ, और इसको हमें इस तरह से इसको एक एक पत्ती इसकी निकालनी है। डंडी नहीं लेनी है और पत्ती निकाल के हमको अलग करनी है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम सब पत्तियां इसकी अलग करेंगे। डंडी बिल्कुल नहीं लेंगे, बस यहाँ से ऐसे करेंगे, ये पत्तियां आराम से ऐसे निकल जाती हैं। ये देखिए, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे करते हैं, देखिए पत्तियां आराम से निकल आई। ये सब पत्तियां निकाल लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए, मैंने नीम की पत्तियों को धो के साफ कर लिया है और पत्ती पत्ती इसकी अलग कर ली है। अब हम ये एक साबुन लेंगे और इसको हम कद्दूकस करेंगे। इस तरह से हमें कद्दूकस कर लेना है। इसको देखिए, ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमें ये इस तरह से हमको ये ग्रेट कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हम सभी ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, हमने नहाने का साबुन, जिससे हम नहाते हैं, वो साबुन हमको इस्तेमाल करना है। कोई भी साबुन हो, लेकिन नहाने का होना चाहिए, उसी से हम बनाएंगे। देखिए, ये हमारा इस तरह से हमें इसका सब ग्रेट कर लेना है इसको। ये देखिए, मैंने सभी ग्रेट कर लिया है ये है। अब हम इसको एक भगोने में डाल देंगे और इसको नीम की पत्तियों को हम मिक्सी में पीसेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको पीसना है। जितना कम डालें पानी, उतना ही अच्छा है। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने पीस के तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल फाइन पेस्ट हो गया है इसका। अब हम बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए, सूप को हमने ये ग्रेट करके रखा था। अब हम इसको मेल्ट करेंगे। हमने एक पैन में पानी चढ़ा दिया है, अब गर्म हो गया है वो। अब मेल्ट करना, पानी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इस पर इसको रख देंगे और इसको हम चलाते हुए इसको मेल्ट करेंगे, और ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा। इस तरह से हमको इसको मेल्ट करना है गर्म पानी में। ये देखिए, ये पिघल के हमारा ये देखिए तैयार हो गया है। और हम इसमें ये अपना नीम का जो हमने पेस्ट बनाया था, वो भी इसी में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसी में गैस बंद कर देंगे हम, और इसको हमें अच्छे से मिला लेना है, जिससे ये सभी में मिल जाए। इसको उतार लेंगे नीचे। इसको हम अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। ये देखिए, हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, और बहुत जल्दी ये सेट होने लगता है ठंडा होने पर। अब हम इसको ये देखिए, इस तरह की हमने ये प्यालियाँ ली हैं, यूज एंड थ्रो वाली। इसमें हम इसको जमा देंगे। इसी तरह से हम तीनों में जमा लेंगे। ये तीन कटोरियों में आएगा। ये देखिए, मैंने प्यालियों में भर लिया है। आप किसी भी कटोरी में या किसी भी सोप में, किसी के सोप सोपदानी है, साबुनदानी, उसमें भी आप भर सकते हैं इसको। किसी में भी आप भर सकते हैं, किसी ढक्कन में भर लें। इस तरह से हम उसको ऊपर से देखिए चिकना कर देंगे, और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तब हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह का ये तैयार हुआ। हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रीजर में रखेंगे, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रखेंगे इसको। देखिए, देखिए नीम का साबुन बनकर के हमारा तैयार है। नीम का साबुन बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि नीम के पेड़ हमारे आसपास बहुत ही सरलता से मिल जाते हैं। नीम का साबुन सभी प्रकार के त्वचा के लिए अच्छा होता है।
क्योंकि यह अपने आप में एक संपूर्ण दवा है। इसका त्वचा पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इससे बना साबुन हर तरह से कीटाणु मुक्त होता है। हमें इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में अवश्य करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।